वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता और आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से स्वादिष्ट स्पंजी दही बड़ा। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम सूजी को भिगोएंगे। एक कप सूजी है और एक कप दही है। इसको हम एक बाउल में मिक्स करके मिला लेंगे अच्छे से। इससे सूजी के दाने अच्छे से फूल जाते हैं और इसको मिलाकर हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, ये इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से घोल लेना है दही में। दही मीठी रहनी चाहिए, खट्टी नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम एक कटोरी चावल लेंगे और इसको सबसे पहले हम मिक्सर में डालकर इसको बारीक पीसेंगे। ये देखिए पीस चुका है। इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। चावल को पीसते वक्त यदि परेशानी हो रही तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी चावल में हम पिसे हुए चावल में 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बेकिंग सोडा 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच। अब हम इसी मिक्सर में सूजी और दही को जो हमने मिक्स करके रखा था उसको मिलाएंगे। ये देखिए पूरा थिक हो गया है, यानी सूजी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें हम डाल देंगे इसको अब इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये बहुत ही फ्लफी बना है बैटर, आप जैसा ही देख रहे होंगे। अब हम इसको रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए तब कि सेट हो जाए। तब तक हम दही बना लेते हैं। दही बड़े के लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है, इसको फेट लिया है। इसमें 1 छोटा चम्मच दही बड़े का मसाला डालेंगे। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको एक साइड में रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे पानी। 1/2 लीटर मैंने पानी लिया है और इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसको हल्का गुनगुना करके रख लेंगे, क्योंकि दही बड़े तलने के बाद इसी में सबसे पहले हम भिगोएंगे। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे बड़े को डीप फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो जाने पर हाथ में हल्का सा तेल लगा लेंगे और छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर बड़े की तेल में हम डालते जाएंगे। तेल पूरा गर्म होना चाहिए हाई फ्लेम पे। जब तेल पूरा हाई फ्लेम पे गर्म हो तभी बड़े को डालें। उसके बाद आंच को धीमा कर दें थोड़ा। इसको मीडियम से लो फ्लेम में ही दही बड़े को तलेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पूरा पक जाए। इसको दोनों तरफ से अच्छे से हम सुनहरा होने तक तल लेंगे। ये देखिए बड़े हमारे फूल भी रहे हैं।
बड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, तैयार हो गए हैं तलकर। अब इन बड़ों को हम गुनगुने पानी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से उसमें भीग जाए पानी में, और इसको ढक कर रख देंगे। और इसी तरह से सारे बड़े हम बना लेंगे। अब ये देखिए 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट तक भिगोना है पानी में इसको। अब इसको एक एक बड़े को लेके हाथ से दबाएंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, और इसके बाद हम दही में डाल देंगे इसको। बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हुआ है दही बड़ा। इसमें कोई भी दाल की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही टेस्टी बना है। और चावल, बचे हुए चावल हैं वो भी हमारे काम आ जाते हैं, और स्वाद भी बिल्कुल ओरिजिनल दही बड़े जैसा ही लगता है। अब चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। मुझे यकीन है कि ये दही बड़ा आप सबको बहुत पसंद आएगा। इसको कृपया अपने घर पे जरूर बनाएं। दही बड़े में हम दही थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा, क्योंकि बड़ा दही में डूबा रहना चाहिए। अब इसके ऊपर आप इमली की मीठी चटनी ले लीजिए या सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ऊपर डाल दीजिए। और इसके ऊपर डालिए थोड़ा सा दही बड़े का मसाला, छीट लीजिए। और ये लीजिए आपका दही बड़ा तैयार हो गया, बचे हुए चावल का दही बड़ा, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचारों को बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।